फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपने मेरा मेकअप का वीडियो देख लिया होगा, कैसा लगा मुझे बताओ। मेरे व्लॉग में भी कमेंट करो या फिर लाइक करो, मुझे पता तो चलेगी मेरे मेकअप की वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है, क्योंकि व्लॉग्स तो आप रेगुलर देखते हो और मेकअप की वीडियो आपको कभी कभी देखने मिलती है, पर ऐसा नहीं होगा। अब कुछ शेड्यूल करके हम फिक्स रखेंगे कि मेकअप की वीडियो इस दिन आएगी। अभी तो कुछ फिक्स नहीं किया है, अब शेड्यूल कैसा सेट होता है देखते हैं, और फिर साथ ही साथ मेकअप का वीडियो भी एडिट करते हैं। आपके पास टाइम टू टाइम आने वाला है। फेस वॉश मैंने कर लिया है, अभी मैं यूज़ कर रही थी मेरा टोनर मैं लेके आई हूँ क्लियर बैलेंस का, और डार्क स्पॉट रिमूवर लेके आई हूँ, बिकॉज मेरे फेस पर जो एक्नेस के स्कार्स रह रहे थे वो भी मुझे रिमूव करने, क्योंकि हल्के हल्के रह रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं रह रहे, बट मेरा क्या है ना कि साथ ही साथ रिमूव भी हो जाते हैं, क्योंकि वाटर का वगैरह इंटेक ज़्यादा रखती हूँ तो सेल्स जल्दी रिकवर हो जाती है। बट इसके लिए कुछ अच्छा एक स्किन केयर भी चाहिए था, तो वही मैं लेके आई हूँ। चिकू तो अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं क्विंच का, क्योंकि मैंने उनको सजेस्ट किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके फेस पर ऑयल आ जाता है, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ना ऑयल, इसी वजह से मैंने बोला। और उनको क्या फेस पर इन ग्रोथ का प्रॉब्लम है, तो ऑयल जो होता है वो अंदर पिम्पल्स बनाने का फिर कोशिश करता है, तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर और ऑयल फ्री फेस वॉश लेके आए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मुझे खुद को 2-3 दिन में उनके फेस पर काफ़ी इफेक्ट लग रहा है। तो अब मैं फटाक से कर लेती हूँ स्किन केयर और फिर हम लंच प्रिपेयर करेंगे, और तो फिर मैं चलूँगी शॉप पर, और मेरा जो सूट है राजपूत वो भी बन के आ गया है, तो शॉप पर जाके ही मैं आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने रेडी होकर खाना बना दिया है, और खाने में आज मैंने बनाया है मूंग फ्राई करें, ये मसाले वाले पराठे बनाए हैं। और चिकू आज शॉप पर अकेले हैं, तो मैं खाना लेकर चिकू के लिए शॉप पर ही जा रही हूँ, तो पीछे से टिफ़िन ले आती हूँ एंड हमारे लिए पैक कर दूँगी। वो रहे टिफ़िन भाई साहब सामने ही बैठे हुए हैं, और इस डिब्बे में अभी हम भरेंगे टिफ़िन, साथ में 2 पापड़ भी सेक लेती हूँ, क्योंकि मैंने आज राइस नहीं बनाया। राइस मुझे और चिकू को बातें बहुत है, मुझे आज नहीं बनाना था, आलस आ रहा था, साफ सी बात है। आज मेरे और चिकू के लिए खाना बनाया, मम्मी पापा तो बाहर गए, थोड़े फैमिली फंक्शंस हैं इसलिए। इसमें तो मैं पूरे मूंग भर दूंगी। सब्जी थोड़ी सी गर्म है तो उसको ऊपर नहीं रखूंगी, नहीं तो ये खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, सब्जी बीच में जाएगी। और इसके अंदर रोटी, ये हमारे पेपर टॉवल हमने ले लिया है, और ये काम क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये बाहर हाथों में जो रेशे रेशे आते हैं वो चीज़ इससे नहीं आती, जिस टाइप का आता है किचन में यूज़ करने के लिए सही रहता है। हालांकि ये स्टैंड तो मैंने बाय किया है, बट ये रोल आता है किचन में यूज़ करना काफ़ी सही रहता है इसको। बीच में सब्जी और ऊपर वापस से रोटी, डब्बा हो गया पैक, ये जाएगा इसके अंदर, टेढ़ा तो नहीं डाला इसे चल गया, क्योंकि मूंग पूरे तो खा नहीं पाएंगे रोटी के साथ, अगर बच गए अच्छे लगेंगे मन टेस्ट नहीं किया चलेगा। चम्मच अंदर रख देती हूँ, बहुत अच्छे। ये हमारा डिब्बा रेडी है और मैं भी रेडी हूँ, चुन्नी लगा के चली जाऊँगी शॉप पे अभी, फिर वहाँ से खाना खा कर फिर वापस से घर पे आऊँगी। ये हमारे पापड़ जो चिकू के फेवरेट है, बिकाजी वाले, ये थोड़ा सा जल चुका है, ये अच्छा परफेक्ट सिका है, ये वाला मैं खा लूँगी चलता। पापड़ हमारे कवर हो गए अच्छे से, जिसको सीधा का सीधा अंदर डाल देते, काफ़ी चैलेंजिंग है, शॉप पर ले जाते टूटने नहीं चाहिए बस। मैं रेडी और रेडी हो चुकी हूँ, फ़ोन भी मैंने मेरे हाथ में ले लिया है, और अभी मेरा रिसेंटली जो डिस्प्ले पिक है वो ये है, और ये वाला फ़ोटो मैंने इंस्टा पे डाला है, जाके चेक करो रोमा निपेश पर। और हाँ, मैं साथ ही बोल देती हूँ, बता रही हूँ कि मैंने मेरे जो 1-2 मेकअप के ट्यूटोरियल्स के फ़ोटोज़ डाले नहीं है इंस्टा पे, तो वो मैंने डाल दिए हैं, तो जल्दी से जाकर आप वहाँ जाकर भी लाइक कर सकते हो और देख भी सकते हो मेरे फ़ोटोज़। और फ़ोटोज़ अगर आपको
क्लिक करने के लिए पोजेज की ज़रूरत है तो वहाँ जाके पोजेज भी चेकआउट कर सकते हो। मुझे भी यूँ लगा मैंने खाली थैली क्यों पकड़ी है, पापड़ का भार नहीं लग रहा है इसलिए। तो कैमरा भाई साहब को ले लिया है हमने, वहाँ गेट वेट बंद कर दूँ फिर चलें। मुझे लगा कि मैंने वॉच क्यों नहीं पहनी है अभी, मैं जैसे ही रूम लॉक कर रही थी तब मुझे याद आया लाइट ही नहीं है घर में, कुछ इलेक्ट्रिक इशू हो गया है तो वो सही हो रहा है, सारा सही सही हो रहा है, सारा घर में मैस भी हो गया इस वजह से। तो टिफ़िन लेके चलते हैं शॉप पे। तो हाँ मेन चीज़ तो हुई नहीं मेरी बात, तो मैंने बहुत चार्ज पे रखी थी तो चार्ज हो ही नहीं है, तो हाथ खाली खाली लग रहा है। चिकू जाके पूछेंगे ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, अकेले कल्ले कल्ले क्या कर रहे हो? तो मैं आ चुकी हूँ अभी शॉप पर, ये हमारा खाना, खाना हम अंदर बैठ के खाने वाले हैं और यहाँ पे लॉक लगा रखा है चिकू ने, हैंड वॉश करने गए थे। खाना कहाँ बैठ के खाएंगे, यहीं नीचे बैठ जाए। नहीं यहाँ क्यों, यहाँ ऑफिस में बैठ गए। वो तो मैं भी सोच रही थी ऑफिस में बैठे बैठे कोई है ही नहीं तो हाँ ऊपर नहीं बैठना है। ये क्या समझ रही थी पता है? अरे ध्यान से वो दोनों तरफ मैंने टिश्यू लगाया था ना, और ये क्या? आज नैपकिन लाना भूल गई मेरे लिए रोटी, वो तुम्हारे लिए। ये क्या रोटी है? तो दो मिनट रोटी है पर वो अकेला एक खाना खाली करने का होता नहीं है ना। तो चिकू के फेवरेट पराठे कैसे यम्मे। तो हम दोनों कर देते हैं हमारा लंच। आज लंच कुछ स्पेशल है लाइक डेट डेट है अपनी। फ्रेंड्स मैं उस शॉप से आ गई हूँ, इस शॉप के ऊपर शॉप करो नौ पंजा ज्वेलर्स से आ गई हूँ शॉप करो रोमा मेकअप स्टूडियो पर, और मेरा जो राजपूती ड्रेस है वो बन के भी आ गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी रोशनी इनके घर पे गई है जिसका दुपट्टा तैयार करके लाएगी, फिर मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत शौक है यार, बहुत ज़्यादा है इतनी ज़्यादा यूँ हो गई, एक्साइटेड हो गई हूँ पहनने के लिए। मैं हो चुकी हूँ रेडी, आप देख सकते हो मैंने मेरा सूट है जो कि ट्राई कर लिया है, और कैसा लग रहा है मुझे बताओ कमेंट करके। और मुझे लगता है मेरे पे राजपूती अच्छे लगते हैं, अब आप बताओ आपको कैसे लगता है, क्या अच्छा लगता है नहीं लगता है। और अगर अच्छा लगता है तो एक दो सूट और लूँगी जो कि घर पर पहनूंगी फिर मैं। तो अभी हमारे हुए कस्टमर से हम लोग फ्री, और रोशनी के आज हेयर कट किए, पीछे घूमो आप देख सकते हो बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी जस्ट ही किया हेयर कट, मूड हो गया था तो इनका हेयर कट कर दिया, पोशाक ले लिया घर के लिए, कल पहनूंगी मैं। बाल उजल है अभी तक, 7 बज रही ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं घर पर, नो यहाँ पे मेला लगा है, कब घुमाने लेके आओगे क्या पता, बहुत सारी चीज़ें आई है। संभाली घर पे आ चुकी हूँ मैं, और घर पर आने के बाद आज हम और डिनर में बना रहे हैं करेले प्याज की सब्जी और रोटी। तो चिकू अभी गए हैं अंदर करेले को मसलने के लिए, तो चलो बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि आज मैं दम नहीं लगा रही हूँ। दम लगाओ दम, अभी मैं निकालूंगी तो बहुत सारा निकलेगा। हाँ। निकाल दे इसमें तो मानू मैं तो ऐसे ही निकलता है, ये ऐसे ही निकलता है, इतना ही जोर लगता है। पानी भरी थी पानी ज्यादा, हमेशा वो काफी ढगी में लोगे मुझने ही ढक ओली ढगी देवा उसने तो निकली जैकेट बस, ये इसमें रह ही नहीं। लो मेरे को दो, मैं एक ही मत ऐसे निकाल, ऐसे करनी ऐसे, ये ऐसे ऐसे दबा दे। अच्छा ऐसे में तो और नहीं निकल रहा है, देख ये मेरे हाथ में देख, तो तू बार करते गई भी तो ये स्टाइल अलग है आपकी और मेरी, मैं अलग स्टाइल से मसल रहा हूँ। ये एम कौन जोर लगा, तो आप कैसे लगा रहे हो? ये ऐसे ऐसे पकड़ना, ये ऐसे हो जाता, देखिए दोनों तरफ ये। अभी तुम देखना मेरा चमक सब दिला,
આઈ બાપુ ખાઈ વખતે બગાડ્યું એમ તો આમ બગાડ્યું નહીં तो फ्रेंड्स अभी हम खाना खा रहे हैं और खाने में हमने बनाया है जैसे कि आपने देखा दम लगा के जो करेले का जूस हम दोनों के बीच में बैटल होते हुए निकला है तो करेले का जूस निकल के करेले की सब्जी बन गई और ये रोटी। आज खाना बहुत ही कम मात्रा में मैं खा रही हूँ और यहीं पर मैं कर देती हूँ व्लॉग का एंड। और अभी हम करेंगे पंजा लड़ाई क्योंकि चिकू ने मुझे चैलेंज कर रहे थे ना, तुमने वो लिया है ना, ठीक है पंजा लड़ाई करेंगे। तो अगर शूट हुआ तो मैं ऐड भी कर दूँगी। ओके तैयार हो तुम तो? ओके यहीं पर कर देती हूँ बाय। और आज का व्लॉग अगर अच्छा लग गया हो तो सब्सक्राइब कर देना बस बाय।